अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने पाकिस्तानी कबूतरबाज में आप लोगों में सलाम अर्ज करता हूं। तो दोस्तों मैं आया हूं क्वेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन कोई 13-14 दिन हो गए हैं। मैं तकरीबन वीडियो भी नहीं डाल रहा हूं, काम ज़्यादा मसरूफ है। ये देखें कंक्रीट का ये बंदे काम कर रहे हैं, ये मैं भी इधर हूँ। बिल्कुल ये शूज़ वूज़ देखें, बिल्कुल ये काम की पोजिशन में खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेटा में हम काम कर रहे हैं, ये देखें ये साइड है हमारा, ये सेट है, ये देखें ये मिक्सर मशीन खड़ी हुई है। दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरे कबूतरों को वायरस हो गई है, तो तकरीबन कबूतर ख़त्म हो गए हैं मेरे, तो इसलिए उस्ताद का काम उस्ताद का था, तो उस्ताद ने बोला कि मैं शाम को आ रहा हूँ अपने, तो आप मेरे काम पे काम चलाएं, तो इसलिए मैं इधर क्वेटा में आ गया काम पर। तो पीछे किसी ने वायरस वाला कबूतर छोड़ दिया था अपना, ये वो लड़का ही अपना था, अपना यानी कि चाचे के बेटे का लड़का था, तो उसी ने छोड़ दिया था घर में कबूतर वायरस वाला। तो घर वालों को पता नहीं था अपना कबूतर या किसी दूसरे का, ये बच्चे थे, तो उन लोगों ने कबूतर डाल दिया खुडे में, तो काफ़ी सारे कबूतरों को लकवा हो गया, काफ़ी सारे कबूतर मर भी गए हैं। तकरीबन कोई 20-25 के करीब कबूतर मर गए हैं, 18-19 कबूतरों को लकवा हो गया है। बिल्कुल मैं भी इधर मजबूर हूँ, जा भी नहीं सकता हूँ कि उस्ताद का काम है। तो दोस्तों ये होती है उस्तादी शागिर्दी, के उस्ताद का फरमान हो और बंदा काम छोड़ के उस्ताद का घर चला जाए, सही नहीं। ये देखें अपने से बड़े, ये काम चल रहा है, ये अपने बंदे हैं, ये देखें ये काम कर रहे हैं बंदे। ये क्वेटा में आए हुए हम, क्वेटा चौक है, इधर हम काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह इधर ये देखें ना, इतनी सर्दी है कि गर्मियों का महीने में भी बिल्कुल हमारे जो इन चप ये होंठ हैं बिल्कुल फट गए हैं, ये इतनी सर्दी है। इंशाल्लाह वीडियो डालते रहेंगे, आप लोग का काम करते रहेंगे, गरीब है रोज़गार कर रहे हैं, आप लोग नाराज नहीं होइएगा कि जो वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो हम सब्सक्राइब ना करें और कभी सब्सक्राइब कर दें, तो ये बिल्कुल ना करिएगा, मेहरबानी आप लोगों की होगी और आप लोगों का हमारे पर एहसान होगा। अनसब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब हो करें, बस ये 15 दिन का ही काम बचा है, 15 दिन के बाद इंशाल्लाह जो कबूतर बचे तो इंशाल्लाह आगे शौक को कंटिन्यू करते रहेंगे, बढ़ाएंगे। तो वीडियो तो डालते रहेंगे, बस कबूतरबाजी को अलविदा करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, भाई को सपोर्ट करें, साथ बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ूंगा ये वीडियोस के ऊपर वीडियोस। और दोस्त फ़ोन भी कर रहे हैं, मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ, तकरीबन 7 बजे के बाद, 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं दोस्तों के साथ बिल्कुल बता रहा हूँ चीज़ें, हर चीज़ बता रहा हूँ फ़ोन पे। तो दोस्तों बस दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करें कि हमारे कबूतर बच जाएँ, तो इंशाल्लाह शाम भी आगे मज़ीद बढ़ाएँगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, ये देखें ये लेसन, ये भी शौकीन है कि मैं आपको शौकीन दिखाने जा रहा हूँ। उठे क्या है मेरे मुँह ने कहा क्या है, वाद की पटी नहीं और तो सुर रहा। ये भी बंदा है, इसने तकरीबन 3 कप उठाए हैं और 1-to-1 में भी तकरीबन पहले नंबर पे आता है। तो ये देखने में आप लोगों को एक लड़का नज़र आ रहा है, मगर बहुत अच्छा शौकीन है और ये अपने हमारे उस्ताद का ही शागिर्द है। तो दोस्तों ये देखें, ये बंदा देखें, मोहम्मद मूसा नाम है इसका, ये शौकीन है घोटकी ज़िले का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो शौकीन भी आपको दिखाया इधर, जो भी तकरीबन ये मज़दूर काम कर रहे हैं, कितने भी काम कर रहे हैं, ये सब कबूतरबाज हैं, कोई भी इनमें से मगर कबूतरों वाला नहीं है, सब कबूतरबाज हैं। इधर तकरीबन 40 से 45 मजदूर है इधर और मिस्त्री है, जो भी हैं सब कबूतरबाज हैं, कोई बगैर कबूतरों वाला नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे ये सारे उस्ताद की वाकफियत वाले, उस्ताद के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, समझ आ रहे हैं। तकरीबन 6-7 बंदे मैं अपने साथ लाया हूँ, वो भी अपने शागिर्द हैं और काफ़ी सारे उस्ताद के भी शागिर्द हैं। तो ये इधर इतनी हवा होती है, इतनी सर्दी होती है कि रात को हम कंबल में होते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं, फिर जाके रात को सुकून मिलता है, नींद आती है, नहीं तो ये जो ये टुवाल शुवाल होते हैं ये तकरीबन इसमें सर्दी नहीं रुकती, बहुत सारी सर्दी है इधर, कितनी ये अभी 5-6 महीना चल रहा है तो इसमें भी कितनी सर्दी है दोस्तों। ये अपने बंदे काम कर रहे हैं, ये क्वेटा के पीछे मेरे पीछे पहाड़ी है, क्वेटा का शहर, ये देखें बिल्कुल आप लोग। तो मैं आप लोगों को मजदूरों की वीडियोस भी इसमें अटैच करके दिखाता हूँ कि
कि हमारे मज़दूर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अनसब्सक्राइब ना कीजिएगा, मेहरबानी आप लोगों की, जितना हो सके आप हमको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम आप वीडियोस के ऊपर वीडियोस डालेंगे, इंशाल्लाह आगे तकरीबन तैयारी का हम आपको बताएंगे, 6-7 दिन कबूतरों को लगातार कैसे उड़ाना है, तो वो हम उड़ा के वो तरीकाकार दिखाएंगे आप लोगों को। 15 दिन के बाद में वो वीडियोज़ डालना शुरू करूँगा, कैसे कबूतरों को उड़ाते हैं, किस तरीके से उड़ाते हैं और क्या क्या देके उड़ाते हैं, फिर उतरते हैं, क्या चीज़ देते हैं, तो हर चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल बताता रहूँगा, इंशाल्लाह कंटिन्यू करता रहूँगा। दोस्तों ये एक जो बंदा वो आ रहा है सामने से, ये भी शौकीन है, कबूतरबाज है, वो पीछे से आ रहा है, तो ये ठेकेदार है ये भी। इंशाल्लाह ये थी आज की वीडियो दोस्तों, कंटिन्यू करते रहिएगा।